इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं राजधानी रायपुर से, जहां आज बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह आज रायपुर आएंगे। संगठन महासचिव बीएल संतोष भी आज रायपुर आएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे दिन भर आज? देखिए, आज पहले से निर्धारित कार्यक्रम था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, और अभी कुछ थोड़े देर पहले जानकारी मिली कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी आ रहे हैं। और यहाँ पर वो लगभग 7-7.5 घंटे तक मैराथन मीटिंग लेंगे छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें ओम माथुर भी रहेंगे, नितिन नवीन भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रहेंगे, तमाम बड़े नेता जो रहेंगे। और इसमें इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बचे हुए प्रत्याशियों की को लेकर इसमें मंथन होगा। इसके पहले भी कई बार मंथन हो चुका है और आज फिर से एक बार मंथन होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, उस पर चर्चा होगी। चुनाव प्रचार की आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो पिछले दिनों जो दो परिवर्तन यात्राएं निकली थी, उसका वो फीडबैक लेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिलासपुर आ रहे हैं और 3 अक्टूबर को वो जगदलपुर जा रहे हैं, बस्तर के दौरे पर रहेंगे। तो इसको इनको लेकर भी, उसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। तो लंबी मैराथन बैठक लगभग 7 घंटे तक वो छत्तीसगढ़ में यहाँ रहेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष, और लगातार बैठकें यहाँ चलेगी। और ऐसा लगता है कि इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के बचे हुए प्रत्याशियों की जो सूची है वो अंतिम लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल राजेश, तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो माना जा सकता है आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।